हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड आपको ये समझाने के लिए है कि आप साधना, मंत्र जाप या अपने जीवन में ऐसी क्या गलती करते हैं जिसके वजह से या तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती या फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। देखो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो नियंत्रण और पूर्वानुमान को महत्व देती है, लेकिन सच्ची आजादी अज्ञात को स्वीकार करने से आती है। जब हम परिणामों को नियंत्रित करने की अपनी सोच को छोड़ देते हैं तो हम खुद को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। आज का ये एपिसोड कोई आम एपिसोड नहीं है, मतलब अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आज मैं आपको कोई गुप्त मंत्र देने वाला हूँ जो आपका जीवन तुरंत बदल देगा तो आप गलत है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको कभी भी किसी मंत्र या साधना की जरूरत ही नहीं होगी। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समय देकर इसे समझने की कोशिश करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज की चाहत रखते हैं उतना ही ज्यादा वो आपकी उंगलियों से फिसलती हुई नजर आती है, चाहे वो प्यार हो, सफलता हो या खुशी। परिणाम के प्रति हमारा लगाव अक्सर प्रतिरोध पैदा करता है। आज के एपिसोड में हम अपनी मानसिक शक्ति के बारे में गहराई से जानेंगे और कैसे किसी भी चीज को पाने का जो लगाव होता है, अगर हम उस लगाव को छोड़ दें तो फिर हम उस सपने को साकार कैसे कर सकते हैं, ये जानने वाले हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विकास चमत्कारों की दुनिया में एक आम विषय है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। लगाव एक विशिष्ट परिणाम से चिपके रहने की क्रिया है, यह मानते हुए कि हमारी खुशी भी इसी लगाव पर निर्भर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा किसी भी चीज के लिए जो लगाव होता है वही हमें हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने से रोकता है। इस विषय के मूल में मानसिक शक्ति नामक कुछ है। सरल शब्दों में कहें तो वो हमारे विचार है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो कई ऊर्जाओं को हमारी ओर आकर्षित करती है। जब हम आनंद, प्रेम और कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो हम सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जब हम भय, अभाव और आसक्ति की स्थिति में होते हैं तो हम प्रतिरोध और नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल्पना करें कि आप अपने जीवन में किसी के प्यार को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आप नए लोगों से मिलने, डेटिंग ऐप से जुड़ने और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके इतने प्रयासों के बावजूद आप खुद को अकेला पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार को पाने के लिए जो आपकी तीव्र इच्छा है वो आपके अंदर से अभाव और हताशा की ऊर्जा पैदा कर रही है, और ये ऊर्जा उसी चीज को दूर भगाती है जिसे आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही आपके साथ मंत्र साधना में भी होता है। आप हद से ज्यादा उस चीज से लगाव रख लेते हैं जिसके कारण आपके जो मन की आवाज है वो ये कहने लग जाती है कि क्या मुझे इस मंत्र साधना से प्यार, धन या जो भी आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, और फिर आप अभाव और हताशा की ऊर्जा पैदा करने लगते हैं और फिर आप जो चाहते हैं उसके विपरीत आपको मिलता है। यहाँ फिर आप मंत्र साधना और अपने गुरु को दोष देते हैं, लेकिन मंत्र साधना ने तो अपना काम किया है। आपने जो अभाव और हताशा की ऊर्जा पैदा की है, मंत्र की शक्ति ने उसी चीज को आपके जीवन में लाने का काम किया है। आपके मन की आवाज को सुना और आपने जो ऊर्जा अपने शरीर से निकाली उसी के अनुसार आपको परिणाम दिए। मैं आपको एक महिला के विषय में बताता हूँ। अनीता अपने जीवन में एक साथी की तलाश कर रही थी। उसने सब कुछ आजमाया, ऑनलाइन डेटिंग, यहाँ तक कि नए लोगों से मिलने के लिए क्लब और ग्रुप में शामिल होना तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो निराशा को महसूस करते हुए मेरे पास आए। मैंने उसे सलाह दी कि वो प्यार पाने के अपने मोह को त्याग दे और अपने जीवन का आनंद लेने पर अपना ध्यान केंद्रित करे।
उसने अपने शौक, यात्रा और दोस्तों से मिलने में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर वो एक दोस्त की पार्टी में अप्रत्याशित रूप से किसी से मिली और आज वे खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। ऐसे मेरे पास मेरे क्लाइंट के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ बात आती है कि हम लगाव को कैसे त्यागें। देखो, इसकी शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना विकसित करनी चाहिए, चाहे हमारे बाहर कुछ भी चल रहा हो। यहाँ मैं आपको कुछ कदम बता रहा हूँ जो आपको लगाव से अलग होने में मदद करेंगे। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने भीतर की आत्मा से जुड़ने और भीतर की शांति को पाने में मदद करता है। देखो, आपके पास जो भी पहले से ही है उस पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतिदिन उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। आत्म देखभाल और आत्म प्रेम को प्राथमिकता दें। जब आप अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं तो आप बाहरी चीजों की तलाश नहीं करते हैं। विश्वास रखें कि सब कुछ किसी कारण से और ईश्वरीय समय पर होता है। भरोसा रखें कि भगवान हमेशा आपके हित में सोचता है। अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखना छोड़ दें। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वाभाविक रूप से होने दें। देखो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो नियंत्रण और पूर्वानुमान को महत्व देती है, लेकिन सच्ची आजादी अज्ञात को स्वीकार करने से आती है। जब हम परिणामों को नियंत्रित करने की अपनी सोच को छोड़ देते हैं तो हम खुद को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हम अतीत या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम वर्तमान में व्यस्त रहते हैं और सच्ची खुशी वर्तमान में होती है। वर्तमान में जीने का अभ्यास करने से हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। देखो, जितना अधिक हम किसी भी होने वाले परिणामों से अलग होते हैं, उतना ही हम जीवन को स्वाभाविक रूप से चलने देते हैं। फिर हम भगवान को अपने जीवन में नए अवसरों और अनुभवों के लिए जगह बनाने देते हैं। मेरी एक बात को याद रखें, ये आपके सपनों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन विचारों को छोड़ने के बारे में है जो आपके सपनों को आपके जीवन में आने से रोकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद ले, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।